Evet. पिक्चर आराम से करेंगे ना, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा अद्वैत से। अद्वैत जो है ये सीक्रेट सुपरस्टार के राइटर और डायरेक्टर हैं, और आकाश से, आकाश इज फ्रॉम जी स्टूडियो। सिट। तो आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, ज्योति यू कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि दो साल के बाद आपकी फिल्म आती है। बसा हाँ, आप लोग कंप्लेन करते हैं कि दो साल के बाद मेरी फिल्म आती है, तीन साल के बाद आती है। तो अब फॉर अ चेंज विद इन 8 मंथ्स मेरी फिल्म आने वाली है। तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म हमें करने का मौका मिला है। And we are happy to talk to you about this little venture of ours. So, आमिर सर, पहले तो बता दूं ट्रेलर सभी ने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। अच्छा, एक मिनट 26 सेकंड में। सवाल ये कि आप किस किरदार में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं? मैं किस किरदार में जी? यार दोस्त ब्लैक टी शर्ट आप ऊपर करोगे ना वो चिल्लाएंगे, तो आप लोग कैमरा ऊपर मत करो अभी। हाँ ओके, हाँ क्या था सवाल आपका? आप सर किस किरदार में आने वाले हैं, क्योंकि लाइक और टेस्ट चेंज करो वगैरह देख करके। मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार जी, और अगस्त में आ रही है, अगले साल 4 अगस्त को आ रही है। ये फिल्म अद्वैत ने लिखी है और डायरेक्ट की है, आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है। और इसमें जो मेरा किरदार है, दाल में जो तड़का होता है ना, तड़का, वो मेरा कैरेक्टर तड़का है एक्चुअली दाल में। और इस लुक के पीछे किसका आइडिया था, जो आपने स्पेसिफिक लुक लिया था, जिसकी तस्वीरें भी पिछले दिनों में एक दो जी हाँ, जब मैं शूटिंग कर रहा था कहीं कहीं नजर आया था मैं। लेकिन ये लुक जो है, ये तो सब अद्वैत जी ने क्रिएटिवली निकाला है मुझ में से कि लुक क्या होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग लगी लुक आपको? बहुत ही अलग रोल है मेरा, ऐसा कोई रोल मैंने लाइफ में किया नहीं ऐसा। सर एक और सवाल है, कई कल से ही खबर चल रही है कि दंगल की सबसे बड़ी डील हुई है, थोड़ा उसके ऊपर अगर आप लाइट डालते कि कौन सी डील हुई भाई, कि सैटेलाइट डील हुई है 75 करोड़ की, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली मैं पैसों की चीजें पब्लिकली बात करना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं बताऊं आपको फैक्ट बात कि ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हमको, पब्लिकली हम बात करें तो मैं करता नहीं ये सब चीजें। थैंक यू। विल यू बी हियरिंग मी सिंग? लेट्स लीव दैट एज अ सस्पेंस। Well, as I was saying, the story is essentially about this girl, 14-year-old girl, and her mother and their relationship. So the main story is about these two. But I am a very integral part of the film, a very important part of the film. And जैसे मैंने कहा, जैसे दाल में तड़का होता है ना, दाल में, दाल पूरी पतीली दाल बनती है, उसमें तड़का जो डालते हैं वो दाल के साइज का नहीं होता, लेकिन तड़के के बगैर दाल का मजा नहीं आता। So I am the तड़का in the दाल। जी मैं उनका गॉडफादर हूं। अरे नहीं यार अद्वैत, प्लीज आंसर दैट यार, कोई डॉन टाइप का हूं मैं क्या? एक्चुअली गॉडफादर से कई ज्यादा है मेरे लिए वो। नहीं जी, नहीं मैं बताता हूँ आमिर जी मेरे लिए क्या है।
वो एक्चुअली मेरे लिए स्कूल रहे हैं, वो मेरे कॉलेज रहे हैं, वो मेरे फिल्म स्कूल रहे हैं. मेरा सपना था कि मैं कोई फिल्म स्कूल जाऊं. FTI में काफी बार अप्लाई भी किया पर रिजेक्ट होते गया. और फिर 10 साल पहले मुझे आमिर सर के यहाँ नौकरी लगी एज एन इंटर्न, प्रोडक्शन इंटर्न तारे जमीन पर. तो 10 साल से मुझे लगता है कि मैं फिल्म स्कूल जा रहा हूँ. आमिर सर मेरे लिए जीते जागते फिल्म स्कूल है. जब उनके साथ काम करता था तो एडिटिंग देखने को मिली, प्रोडक्शन देखने को मिला, मार्केटिंग देखने को मिली, वो कैसे परफॉर्म करते देखने को मिला, वो कितनी मेहनत करते देखने को मिला. तो गॉडफादर तो बहुत छोटी चीज है और कुछ लोगों को गॉडफादर मिल जाता है इंडस्ट्री में. मुझे पूरा स्कूल मिला है और आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट. तो ही इज एक्चुअली माय फिल्म स्कूल, ही इज माय फिल्म कॉलेज, ही इज माय एजुकेशन. अद्वैत हियर, कंसीडरिंग यू वर्क्ड विद आमिर सिंस क्वाइट सम टाइम, वाज इट रिलेटिवली इजी फॉर यू टू कन्विंस हिम टू कम ऑन बोर्ड फॉर दिस मूवी? यू नो एक्चुअली आमिर सर इज, बिकॉज मैंने उनके साथ इतना काम किया है, मुझे पता है कि वो सिर्फ एक रीजन से हाँ बोलते हैं और वो है स्क्रीन प्ले. मैं उनके साथ था जब उन्होंने PK की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने धूम की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने दंगल की स्क्रिप्ट सुनी, मैं उनके साथ था. तो इन सब स्क्रिप्ट्स के बाद में वो सुनते थे, एक मिनट का भी ब्रेक नहीं लेते थे और कहते थे कि आई वॉन्ट टू डू दिस. तो एक्चुअली द वे टू कन्विंस हिम इज स्क्रीन प्ले. तो मेरा यही ड्रीम था कि वो मेरी स्क्रिप्ट का नरेशन सुने और कहें कि उन्हें ये करना है. या द फर्स्ट टाइम आई नरेटेड द स्क्रिप्ट टू हिम, वो स्क्रिप्ट खत्म हुई, नरेशन खत्म हुआ और वो उठ के टॉयलेट चले गए. तो वो 2 मिनट के लिए मुझे काफी टेंशन था और मैं नर्वस था और टॉयलेट से बाहर निकले हाथ धोते धोते उन्होंने कहा सो व्हेन डू यू वांट टू मेक दिस फिल्म. एक्चुअली मुझे बहुत रोना आ रहा था, तो सबके सामने मैं वैसे रोते रहता हूं, लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा कंपोज होके आऊं मैं. तो मूड होके मैं वापस आया, मैंने बोला व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट द फिल्म. आई वाज वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट नरेशन इटसेल्फ कि मुझे फिल्म करनी है. रोल ये जो है मुझे करना है कि नहीं करना, मैं कन्विंस नहीं था. फिल्म मुझे प्रोड्यूस करनी थी अद्वैत के साथ ऐसे डायरेक्टर, लेकिन जब अद्वैत ने कहा कि आप इसमें ये किरदार करिए तो मैं श्योर नहीं था, क्योंकि ये किरदार मुझसे बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग है मुझसे. और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस फिल्म को डिस्टर्ब करूं किसी भी तरह. तो मैंने अद्वैत से कहा कि मैं स्क्रीन टेस्ट दूंगा. तो मैंने बाकायदा स्क्रीन टेस्ट दिया और स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा, हमको लगा कि हाँ मैं कैरेक्टर कर पाऊंगा. आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगा. तो स्क्रीन टेस्ट किया हमने, स्क्रीन टेस्ट के बाद देन वी डिसाइडेड दैट आई विल डू द रोल. व्हेन वाज आई टर्न, मुझे तो अभी तक सुपरस्टार कोई नहीं बोलता भैया. उस तरफ आप बोलते हैं. नहीं, सुपरस्टार मुझे कब बोला गया पहले मुझे याद नहीं. आई डोंट रिमेम्बर, इट्स नॉट समथिंग दैट इज रजिस्टर्ड टू मी. But what does the term mean? Well, it means someone who's very loved by people, someone who's, you know, everyone loves, someone who everybody wants to, you know, whose work everybody enjoys. Yeah, I guess who everybody loves, that's it, that's the word. Superstar, वही होता है जैसे रजनीकांत जी हैं, अमित जी हैं, जिनके तरफ हमारे दिल में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है और इतनी इज्जत है. I not in my own eyes. Not in my own eyes. Amir, I want to ask you. Hi, this is Atika Ahmed Farooqi here. आप आजाद राव, आपके जो बेटे हैं उनको पैदा हुए, अभी 5-6 साल हुए हैं. इन्हीं सालों में हमने देखा है कि किसी भी सुपरस्टार ने पिछले 15-20 सालों में बच्चों के टॉपिक में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, बच्चों के ड्रीम्स के सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया. तारे जमी पर, फिर दंगल, अब सीक्रेट सुपरस्टार. क्या आजाद, आपके बेटे आजाद का पैदा होना और आपके कुछ इमेजिनेशन में इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग कुछ चेंज हुआ है? डज इट हैव एनी कनेक्शन विद आजाद? No, I don't think so. आजाद का असर मुझे अलग अलग तरीके से हुआ है, इसमें नहीं हुआ है. आप बच्चों के सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट? एक्चुअली मुझे हर किस्म के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, और जब मुझे कहानी अच्छी लगती है, स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, फिर वो बच्चों के बारे में हो या बड़ों के बारे में हो, उस पर मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ. वॉट जॉनर आई एम डूइंग, आई डोंट प्री डिसाइड कि मुझे बच्चों की फिल्म करनी है. आई जस्ट लिसन टू द स्क्रिप्ट विद ओपन माइंड एंड इफ आई लाइक इट देन आई वॉन्ट टू डू इट. So it's a coincidence that, you know, I've done 3 films which are involving children in a very important way. Ji. Advait? Ji, ji. Yeah, Jyoti. Every time you accept a role, you prepare a lot and you have different get-up for each role. Yeah. This particular get-up, kis film ke liye aapne plan kiya? Aaj jo bhi chashma... Ye jo mera get-up hai, abhi jo main hoon. ये तो अभी हमारी जो फिल्म शूटिंग होने वाली है, मार्च से शुरू होने वाली है, थग्स ऑफ हिंदुस्तान,
उसकी प्रेपरेशन चल रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसका फाइनल लुक है, क्योंकि जब हम मार्च से एक दो हफ्ता पहले जब हम फाइनलाइज करेंगे लुक, तो उस वक्त लुक फाइनल होगा। अभी मैं फेशियल हेयर और बाल मैं ऐसे ही ग्रो कर रहा हूं, और उस वक्त देखते हैं कि फाइनली क्या लुक होना चाहिए। इट्स अ पीरियड फिल्म, तो दैट्स व्हाई आई एम ग्रोइंग अ बियर्ड, बिकॉज एट दैट टाइम शेव नहीं करते थे इतना। तो अल्टीमेटली विक्टर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो क्या फैसला करते हैं लुक के लिए, लेट्स सी। और ठग्स ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमित जी हमारे साथ हैं, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड टू बी वर्किंग विद हिम। ये मेरा सपना था बहुत सालों से कि मैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले, और मैं बहुत ही खुश हूं कि उनके साथ मैं मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। आदि जी प्रोड्यूसर हैं, विक्टर डायरेक्टर हैं, और बाकी कास्ट अभी फाइनलाइज हो रही है, इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड। अद्वैत, अद्वैत सीक्रेट सुपरस्टार सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेयर डू यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम, लाइक व्हाट वी सॉ नाउ? इट्स अ बंच ऑफ थिंग्स एक्चुअली, इंस्पिरेशन काफी जगह से आई, बट मैं आपको एक दूसरा कुछ बताना चाहूंगा कि जो पहले ये आइडिया सुना वो आइडिया किरण ने सुना था, और मेरे माइंड में ऐसे ही एक आइडिया आया था। मैं आमिर सर और किरण नाम के साथ एक हॉलीडे पे गया था, उनकी हॉलीडे पे, और मुझे ये आइडिया आया था। और ऐसे आइडियाज तो रोज आते रहते हैं, बट यू नेवर एंड अप फिनिशिंग इट, यू नो, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगली सुबह मैंने एक आइडिया किरण को बताया था, एंड किरण इज द वन हु एनकरेज्ड मी फ्रॉम द आइडिया टू द स्क्रीन प्ले, यू नो, शी रियली हेल्प्ड मी। सो आइडिया तो मुझे ऐसे ही एक आ गया था, एक लड़की का जिसे गाना है, बट किरण रियली हेल्प्ड मी टू फिनिश द स्क्रीन प्ले एंड टेक इट टू आमिर सर। एंड अनफॉर्चुनेटली किरण इज बिजी टुडे एंड शी कुडंट कम हियर, बट आई एम रियली रियली मिसिंग हर। सो आइडिया तो ऐसे ही आ गया था, बट जो इंस्पिरेशन थी और जिसने मुझे हेल्प किया थ्रू आउट, एनकरेज किया टू राइट दिस इन टू अ स्क्रीन प्ले, इज किरण। Amir here. When will the teaser be released online? It's not yet up. So the teaser will be on now, within the next half an hour. So the teaser of this film, Secret Superstar. Also, we hear that you'll be going to one famous akhada in Kolhapur. You've been invited there for Dangal promotion. Yeah, so I'm going to Kolhapur. I'm so going to. Could Kolhapur. You talk more about it? What is the plan like, and what do you expect there? Well, it's a very historic akhada, and Kolhapur is very famous for wrestling, as you know. So I'm very keen to go there. The name of the akhada would be I don't remember the names properly, mujhe naam yaad nahi rehta. Also one more thing, you know, recently we heard a lot of news reports about Dangal being you know, planned to be dubbed in Tamil, and you being you approaching Rajinikanth for the same. Is that true, is that not true? Could you just The film is being dubbed in Tamil and Telugu, and yes, I did approach Rajini sir. Rajini sir loved the film, he really loved the film, and after discussing with him, both he and I felt that his voice is too recognizable. बहुत इतने फेमस हैं रजनी सर की, उनकी वॉइस इतनी रिकग्नाइजेबल है, तो मेरे चेहरे पे उनकी आवाज शायद सूट नहीं होती। आई ऑल्सो फेल्ट दैट, ही ऑल्सो फेल्ट दैट आफ्टर डिस्कसिंग, बट ही लव्ड द फिल्म, ही वाज ही रियली लव्ड द फिल्म, ही वाज वेरी इनकरेजिंग, एंड या इट वाज लवली मीटिंग। एनी प्लान्स ऑफ एवर कोलैबोरेटिंग विद हिम, बिकॉज़ हिज लास्ट हिंदी मूवी वाज विद यू, आई बिलीव, वाज दैट द लास्ट वन? या द लास्ट हिंदी फिल्म दैट रजनी डिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। That's been years ago. That's what I don't think is. Well, I think Rajni sir, whether he does a Hindi film or a Tamil film, we all watch his films in any case. So I would love for him to do a Hindi film. Certainly, I would love for him to do a Hindi film. And now I think Robo is coming, na, which will be dubbed in Hindi also. So I'm looking forward to that. No, talking about you collaborating. Amir here, Manish. Amir, आप जो भी फिल्म करते हैं, बहुत रिसर्च होती है उसके पीछे. एक चीज जानना चाह रहा था मैं कि थ्री इडियट जब आपने की थी तो जो कैरेक्टर था उसमें कभी सोनम से मिले थे आप, सोनम वांगचुंग से या किसे? थ्री इडियट का जो कैरेक्टर किया था आपने फुनसुक का, तो कभी सोनम वांगचुंग से मिले थे आप? किसे? सोनम पता नहीं कौन है सोनम, जो थ्री जो आपका ऐसा न्यूज आया था कि इंस्पायर था आपका कैरेक्टर फुनसुक वांगड़ू जो आपने? नहीं नहीं, हमारा कैरेक्टर तो वो बुक थी ना, व्हाट इज द राइटर्स नेम? वो राइटर का नाम क्या है यार? चेतन भगत। चेतन भगत की कहानी थी 5.someone और 5.something, इट वॉज 5.some, सो द थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड ऑन अ बुक 5.someone चेतन भगत की, तो उस पर बेस्ड है, किसी रियल इंसान पे बेस्ड नहीं, इट्स नॉट बेस्ड। मुझे बड़ी खुशी है मैं चाहता हूं कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और मैं चाहता हूं कि जो जब हम फिल्म टैक्स फ्री करते हैं
तो आमतौर पे जो भी टिकट प्राइस होता है, और मैंने सारे थिएटरों को रिक्वेस्ट की है कि ये फिल्म में वो टिकट प्राइस बढ़ाए नहीं, जो टिकट प्राइस नॉर्मल है वही रखें, हर फिल्म के साथ बढ़ती रहती है प्राइस, मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो ना करें। तो लिहाजा जब टैक्स फ्री होगी, जिस स्टेट में टैक्स फ्री होगी, तो वो प्राइस घट जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका बेनिफिट कंज्यूमर को जाएगा, जो टिकट खरीद रहे हैं, जो फिल्म देख रहे हैं, उनको डायरेक्टली उसका फायदा जाएगा, दैट आई एम मेकिंग श्योर। हेलो आमिर। हेलो जी। मुझे इतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर कोई भी स्टेट में स्टेट जो है वो इनकरेज कर रही है सिनेमा को और फिल्म को, तो ये अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। Amir, Kanika here to you. Hi. From iCarmic. There are reports that you are celebrating your 11th anniversary with Kiran ma'am, yeah. In Panchgani, where you got married. Yeah, so yeah, what yeah. is the whole idea behind that? And Salman is you're missing Salman Khan's birthday. Salman's birthday, you know, I'm very bad with birthdays. When is his birthday? 27 December. 27th. Yeah, and your anniversary is on 28th. Haan, every year ye problem hota hai. 27 को उनकी बर्थडे होती है, 28 को मेरी एनिवर्सरी, तो मैं जा नहीं पाता हूँ। एक दफा गया था मैं सलमान की बर्थडे पे, लेकिन हाँ, वी've completed 11 years and actually we try every year, we try to go to Panchgani for our anniversary because that's where we got married, उसी घर में हमारी शादी हुई थी, तो वो जगह हमारे लिए बहुत ही खास है, तो हम हर साल वहीं जाते हैं अपनी एनिवर्सरी के लिए। Okay. Yeah. So that's the whole idea behind it. Yeah. We want to spend every anniversary there only. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, yeah, yeah. जी जी हाँ जी 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 सलमान से करण ने पूछा और आमिर का नाम लिया तो उन्होंने बोला दोपहर हो गई। देखिए, आलसी होने से क्रिएटिव होता है वो पता नहीं, लेकिन मुझे मजा बहुत आता है आलसी होने में। आपका पहला सवाल क्या था? टैक्स फ्री है, तो देखिए यूपी में हमें बड़ी खुशी हुई सुनके कि टैक्स फ्री हो चुकी है हमारी फिल्म दंगल, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका पूरा जो फायदा है टैक्स फ्री होने का, वो कंज्यूमर मतलब ऑडियंस को ही जाएगा। हमने सारे स्टेट्स में, मतलब कई स्टेट्स हैं जहां टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हमने अप्लाई किया है, 10-12 स्टेट्स हैं शायद जहां डिज्नी ने, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने हर जगह अप्लाई किया है, जैसे यूपी में भी अप्लाई किया, हमने हर जगह अप्लाई किया है, और हमें उम्मीद है कि जब जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इस फिल्म को टैक्स फ्री हो पाएगी, और इसका फायदा कंज्यूमर को होगा, इसका फायदा ऑडियंस को होगा कि वो ये फिल्म और सस्ते में देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, ये हमें बड़ी खुशी होगी इससे। और आलसी का क्या सवाल था? मैं जवाब दे दूं प्लीज, सॉरी। हाँ, अच्छा, इनको जवाब दे दीजिए। हाँ, सॉरी, क्या मैंने 4-5 साल मैनेज किया तो कितने आलसी मुझे पता है। तो आप वो एक आमिर जी का वीडियो है यूट्यूब पे, फिट टू फैट, वो देख लीजिए, अगर आपको उसके बाद लगता है आलसी है फिर पूछना आप, क्योंकि वो वीडियो देख देख के मैं थक जाता हूँ यार, शर्म आती है, इतना मेहनत करता है आदमी। तो अगर आपको लगता है आलसी को, प्लीज वीडियो देख लीजिए आप। जी 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 हाँ, वो तो बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी इंसान को आप पर्दे पे लाने की कोशिश करते हैं। महावीर सिंह फोगाट का किरदार मैंने किया है, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं उनके साथ इंसाफ करूं, उनके किरदार के साथ इंसाफ करूं, उनकी जिंदगी के साथ इंसाफ करूं। सबसे पहले तो मुझे कहानी और स्क्रिप्ट से बहुत मदद मिली, और चूंकि महावीर जी और गीता बबीता ने कहानी सुनी हुई थी, स्क्रिप्ट सुनी हुई थी, उनको भी पसंद आई थी, तो मुझे भी तसल्ली थी कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो तीनों, मतलब पूरी फैमिली को ये अच्छी लगी है कहानी, जिस तरह से लिखी गई है, डायलॉग लिखे गए हैं। इसके अलावा फिल्म दरअसल शुरू होने से बहुत पहले मैंने एक एपिसोड किया था स्पोर्ट्स पर, सत्यमेव जयते में, और उसमें हमने गीता और बबीता को फीचर किया था उसमें, उस एपिसोड में, और उसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च की थी गीता बबीता और महावीर के बारे में। तो मेरी टीम वहाँ बलाली गई थी हरियाणा में, और उनके इंटरव्यूज लिए, तो मैंने करीबन 8-10 घंटे रिसर्च मटेरियल देखा है महावीर जी पे, गीता जी, गीता और बबीता पे। तो मेरी रिसर्च एक्चुअली बहुत कुछ हो चुकी थी जब ये कहानी मेरे पास आई,
तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सही तरीके से उनका किरदार जो है मैं पर्दे पे लाऊं, और मुझे बड़ी मैं उम्मीद से वेट कर रहा हूं कि जब वो फिल्म देखेंगे, 20 तारीख को फिल्म देख रहे हैं वो, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनको कैसी लगी। आमिर नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस समय हमने ये स्क्रीन प्ले सुना और जिस समय हमने ये कहानी सुनी, हम चाहते थे कि हम जुड़ जाएं ये कहानी लोगों को बताने में। और अगर आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ में जुड़े हैं तो आपको पता है कि एक तरीके की फिल्म आएगी, एक क्रेडिबिलिटी की फिल्म आएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है आमिर सर के साथ जुड़ना। और काफ़ी सवाल मैं सुन रहा था यहाँ पे, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आलसी या नहीं आलसी मुझे नहीं पता, मैं आमिर सर को इतना करीबी से नहीं जानता, बट इस फिल्म जब से हमने सुनी है और जब तक ये आई है और आएगी और जब तक उसकी जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं, जो बारीकियों पर ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अद्वैत इस फिल्म को ड्राइव कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इट्स एन एक्सपीरियंस दैट वी आर डेफिनेटली लुकिंग आउट फॉर टिल 4th August। मैं भी दो शब्द कह दूं मतलब आपके सवाल से पहले मैं जी के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम जी के साथ जुड़े हैं इस फिल्म में। दंगल में जी म्यूजिक हमारे साथ जुड़ा है और बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता रहा है। बहुत ही अच्छा, अच्छी तरीके से जी म्यूजिक जो है हमारे गानों को पेश कर रहा है लोगों के सामने। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड अगेन जी के साथ हमारा वैसे काफी पुराना रिश्ता है। हम लोग हमारी फिल्में जीत पे कई दिखाई गई हैं और उस सिलसिले में हम लोग ने बहुत नज़दीकी से काम किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये फिल्म साथ में बना रहे हैं। और आई थिंक जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो जो हमें ताकत की ज़रूरत है इस फिल्म को, और हर फिल्म को जो होती है ताकत की ज़रूरत, वो हमें जी से मिलेगी। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस एसोसिएशन फ्रॉम जी। आमिर जी, एक्चुअली मैंने देखी नहीं है डियर जिंदगी, तो नहीं वाकई मैंने देखी नहीं, तो मैं कैसे बताऊं। देखिए डियर जिंदगी, जहां तक मेरा ख्याल है, जो मैंने प्रोमोस देखे हैं, इट इज अबाउट अ मॉडर्न गर्ल, सिटी गर्ल, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, मॉडर्न सिटी गर्ल की कहानी है ये। कहानी एक छोटे शहर की है। ये लड़की एक छोटे शहर से है, बरोडा से है। तो इट इज अ टोटली डिफरेंट बैकड्रॉप। उनका उनकी जिंदगी अलग है, उनकी सच्चाई अलग है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट फिल्म। Amir, सीक्रेट सुपरस्टार इज अबाउट अ गर्ल्स एस्पिरेशन ऑफ बीइंग अ सिंगर। व्हाट अबाउट Secret Superstar is what we have seen is like, you know, about the aspirations of a girl, you know, who is trying to be a singer. Haan. And the complication that she faces from his challenges she faces from her family. Hmm. What about your kids? Your son is studying abroad, something yeah. related to filmmaking. What about their aspirations? He's studying theater. Okay. He's very interested in theater. And your daughter? My daughter is right now planning not to study. She is going my route. Huh. Of course I will help them. Why not? I mean, I will not help them beyond what a normal person should help, because if I feel that they are talented and they deserve help, agar main mujhe lagta hai ki unme talent hai aur unko wo deserving hai, tab zarur main unko help karunga. Agar mujhe lagta hai ki wo deserving nahi hai, to main unko bataunga bhai ki aap deserving nahi hai. To main help us kisim ki help nahi karna chahunga, jo matlab nadan dost nahi banna chahunga main apne bachchon ka. Ji ji. देखिए, जो जो उनसे सीखा है पिछले 10 सालों में वो अप्लाई करने की कोशिश की है। उनके पास आया हूँ उतना भी नहीं कह पाऊंगा। वो जैसे सूरज है, मैं कुछ उनका शैडो हूँ। अभी आप लोगों के सामने बड़े तमीज से बात कर रहे हैं। इनकी असलियत आप देखो, देखना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए।
आमिर सवाल है मेरा, लेकिन मैं अद्वैत के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अद्वैत बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं और ये सही है कि वो मेरे साथ 10 सालों से साथ में हैं और एक तरह से जो मेरी दो इंटर्न्स हैं इस वक्त फातिमा और सानिया, मेरे पहले इंटर्न एक्चुअली अद्वैत रहे। ही इज बीन द पर्सन हु इज द ओरिजिनल इंटर्न जो मेरे साथ साथ में रहे हर कदम। और मुझे लगता है कि देखिए मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ मेरे पास है मैं वो शेयर करूं, लेकिन हर इंसान पे है कि वो आपसे क्या लेता है क्या नहीं लेता है। एंड आई थिंक जब से अद्वैत मेरे साथ काम करना उन्होंने शुरू किया, आई फाउंड हिम टू बी वेरी ब्राइट वेरी इंटेलिजेंट। और अक्सर मैं अपने डिसीजंस में अद्वैत को शामिल करता हूं, मैं उनकी राय जानना चाहता हूं। तो ही इज वेरी ब्राइट एंड गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो आई थिंक दैट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि ये उनकी पहली फिल्म बन रही है और इतनी अच्छी बनाई है उन्होंने। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ट्रस्ट और फेथ दोनों किरण और मुझे था इनमें, ही इज कंप्लीटली स्टूड अप टू दैट। आमिर हियर स्लाइटली टुवर्ड्स योर लेफ्ट, या Amir, when we talk about superstars, especially in case of Bollywood, it's the image of a man that comes to mind. We have a lot of male superstars as compared to female. It's refreshing to see that the protagonist of your film is a woman and not a man. Yeah. Do you think Bollywood needs much more female superstar, and who do you think in today's times is the real female superstar? I think Hindi cinema mein female superstars hamesha se rahe hain. Nargis ji, Madhubala, matlab Vahida ji, they've been amazing superstars in our industry. Katrina hai, Deepika hai, Saif is waqt ki baat karun to Shridevi, Madhuri Dixit, Juhi Chawla, we've had amazing Kajal, amazing superstars as female superstars. To lekin aapne sahi kaha, ye film jo hai wo superstar ke bare mein hai, lekin wo superstar ek bachchi hai jo aam taur pe hame nahi dekhne ko milta. Also, I forgot to ask, who will be dubbing Dangal in Tamil and Telugu now that Rajini is not doing it? That the dubbing team has decided who they will be. Will it be a popular name? No, they will not be a known name. Known name won't be there. Okay. And Akash, a question for you. Why Karan Johar to remake Sairat in Hindi? That is something that we'll come to when we cross that bridge. It's still not been crossed, so I would hold that particular question for now. Amir, you're right. Here. Ji. Amir, mera sawal ye hai ki 25 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। 23 को। 23 को रिलीज। गलत डेट बोल रहे हैं मुझे। दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। सब लोग एक्साइटेड आपकी फिल्म देखने के लिए। हाँ। सवाल ये है कि कई सारी फिल्में जो रिलीज होनी थी वो उन्होंने डेट अपना एक्सटेंड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन की वजह से। जी। आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी फिल्मों पे कोई असर होगा, क्योंकि हम डीमोनेटाइजेशन की वजह से कौन सी फिल्म आगे गई है? दो तीन फिल्में गई। नाम बताइए। वजह तुम हो। और भी दो तीन फिल्में हैं जिन्होंने अपना डियर जिंदगी तो आगे नहीं बढ़ी। हाँ। और नहीं, भी फिल्में आई और कहानी आगे नहीं बढ़ी। हाँ तो मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को आम जिंदगी में बहुत असर पड़ा है, लाइनों में खड़ा रहना पड़ा है नोटों के लिए। जी। क्या आमिर की जिंदगी में कोई असर पड़ा है डीमोनेटाइजेशन की वजह से? देखिए मैं झूठ नहीं बताऊंगा आपसे, मेरी जिंदगी में बहुत कम फर्क पड़ा है। एक तो ये डीमोनेटाइजेशन मेरे ख्याल से उन लोगों को इफेक्ट करता है जो काला धन रखते हैं। मेरे पास काला धन बिल्कुल नहीं है, मैं सारे अपने टैक्सेस देते आ रहा हूं आज तक, तो मेरे पास काला धन एक रुपया भी नहीं है। सो डू यू थिंक दैट तो मुझे कोई काला धन? मैं आपको जवाब दे देता हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस हिसाब से। दूसरे हिसाब से जो खर्च करने की बात आती है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, वो मेरा टैक्स दिया हुआ पैसा है उसको खर्च करना है मुझे। जितने मेरे खर्चे हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड से होते हैं या मैं चेक देता हूं, तो क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और चेक से मैं देता हूं, तो मुझे जाती तौर पे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और मैं बहुत सेंसिटिव हूं इस मामले में। आई फील सैड बट आई ऑल्सो फील कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और हमें सपोर्ट करना चाहिए उस चीज को, क्योंकि उनकी नीयत सही है, वो चाह रहे हैं कि देश को साफ सुथरा बनाए, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको लगता है कि कैशलेस होने से देश को फर्क पड़ेगा? देखिए मैं एक्चुअली इकोनॉमिस्ट हूं नहीं, तो मैं फिल्में जानता हूं, फिल्मों के बारे में पूछिए मैं आपको जवाब दूंगा। इकोनॉमी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि कोई अच्छी कोशिश कर रहा है हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। थैंक यू। कोई और सवाल लेते हैं।
आमिर आपकी फिल्म मेरा सीक्रेट सुपरस्टार मतलब कोई मेरी जिंदगी में सुपरस्टार हो फोटो चाहूंगा यार एक सेल्फी ले लूंगा उसके साथ थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर